ये क्वेश्चन देखें, ए बी सी डी इज ए काइट हैविंग ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी। प्रूव दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स इन ऑर्डर इज ए रेक्टेंगल। इसमें पहले डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी डी एक काइट है, ये देख लीजिए, ए बी सी डी एक काइट हमने बना लिया। ए बी सी डी एक काइट, इसमें दिया हुआ है आपको ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो दिस साइड और दिस साइड, ये ए बी और ए डी इक्वल है एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी। ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। अब इसमें एक काम करते हैं, इसके दोनों डायगोनल को हम ड्रॉ कर लेते हैं डॉटेड लाइन्स। एक डायगोनल हो गया ए सी और दूसरा डायगोनल हो गया क्या चीज, बी डी। अब यहां पर बोलता है ये इसके साइड का मीट पॉइंट्स, तो सपोज कर लेते हैं ये इस साइड का मीट पॉइंट है और इस साइड का मीट पॉइंट ये है, इस साइड का मीट पॉइंट यहाँ है और इस साइड का मीट पॉइंट ये है, और इस मिड पॉइंट का नाम दे देते हैं पी क्यू आर एंड एस। इस सारे मिड पॉइंट को अगर मिलाते हैं हम, एक क्वाड्रिलेटरल मिला पी क्यू आर एस, ये रेक्टेंगल होगा, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ में चलते हैं हम लोग। प्रूफ, लेट ए बी सी डी बी ए काइट, बी ए काइट इन व्हिच ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी। पी क्यू आर एस आर द मीट पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली। ये दिया हुआ है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं ये वाला ट्रायंगल, डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल की बात बोल रहा हूं मैं, ये वाला ट्रायंगल यानी ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी पी इज द मीट पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू इज द मीट पॉइंट ऑफ ऑफ बी सी, ये गिवन है। अब आप जानते हैं हम लिख सकते हैं पी क्यू
इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से ये ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पी क्यू जो है ये हाफ ऑफ ए सी हो गया एंड पैरेलल टू ए सी हो गया। सिमिलरली अब उतना नहीं लिखना है, केवल लिख देंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल लीजिए ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी हम लिख सकते हैं एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर इज पैरेलल टू ए सी। तो ये फर्स्ट और इसको सेकेंड मान लीजिए, फ्रॉम वन एंड टू हम लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट एस आर, पी क्यू हाफ ऑफ ए सी है, एस आर भी हाफ ऑफ ए सी है, इसका मतलब पी क्यू और एस आर दोनों इक्वल है एंड पी क्यू इज पैरेलल टू क्या चीज, पी क्यू इज पैरेलल टू हो गया एस आर, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। देयरफोर हम लिख सकते हैं पी क्यू आर एस इज ए पैरालेलोग्राम। अब ये पी क्यू आर एस को हम लोगों ने एक पैरालेलोग्राम प्रूव कर दिया है, लेकिन हम लोगों का क्वेश्चन है कि इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। यानी पैरालेलोग्राम का अगर एक एंगल हम लोग 90 डिग्री का प्रूव कर दे तो ये क्वाड्रिलेटरल जो पैरालेलोग्राम प्रूव कर चुके हैं हम लोग वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पार्ट इसका रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए यहाँ पर देखिए ये PS जो है इस डायगोनल से यहाँ पर कटता है, इसको मान लेते हैं हम लोग SR PQRS ST यहाँ मान लीजिए और यहाँ मान लीजिए आप O TOM तो STOM ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और एक चीज, काइट का जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो सिंस डायगोनल्स ऑफ ए काइट परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर होता है। तो पहले हम ये प्रूव कर लेते हैं एज एंगल टी ओ एम, ये तो हो जाएगा 90 डिग्री क्योंकि ये बी डी एक डायगोनल है और ए सी दूसरा डायगोनल है, एक दूसरे को ओ पे कट कर रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देयरफोर हम लिख सकते हैं एंगल टी ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये इसको वन मान लीजिए। अब दे आपने इससे आगे प्रूव कर दिया है कि पी एस इज पैरेलल टू
क्यू आर, तो हम लिख सकते हैं टी एस इज ऑल्सो पैरल टू क्या क्यू एम ओ एम ओ, ये इसके पैरल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन अभी आपस में पैरेलल है, और टी एस जो है पार्ट ऑफ पी एस है, और एम ओ या ओ एम ये पार्ट ऑफ बी डी है। इसका मतलब है हम ये प्रूफ कर ये बोल सकते हैं कि टी एस एस टी ओ एम ये वाला क्वाड्रिलेटरल भी एक पैरा ले लो ग्राम है, एंड एंड ये है पी एस पैरल टू क्यू आर, पी एस पैरल टू क्यू आर, एंड ये हम लिख सकते हैं पी एस इज ऑल्सो पैरल टू ओ एम पार्ट ऑफ पैरा लल लाइन्स। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो जाएं तो हम लिख सकते हैं क्या चीज, देयरफॉर एस टी ओ एम इज ए पैरालेलो क्या ग्राम सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब देखिए जब ये एस टी ओ एम एक पैरेललोग्राम हो गया, और इसमें पहले ही हम प्रूफ कर चुके हैं कि टी ओ डी जो है वो कितना है, टी ओ डी 90 डिग्री है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि ये एंगल भी कितना होगा, 90। देयरफॉर एंगल टी एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अगर एक एंगल 90 हो गया तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो ये दोनों अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, चारों एंगल 90 हो गया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं नाउ कि पी क्यू आर एस इज ए व्हाट, रेक्टेंगल, प्रूफ्ड। कैबिनेट का